सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगस्त 2003 मंदिर बनाने से कोई सरकार या न्यायालय हमको रोक नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती। प्रतिवाद भयंकर, इसी नाम से विख्यात थे राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार महंत रामचंद्र परमहंस दास, जिनके साकेत धाम पधार जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भविष्यवाणी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी का ये पहला भाषण था, सरजू के पावन तट पर परमहंस की जलती हुई चिता के बीच उन्होंने कहा था, मैं रहूं या न रहूं लेकिन हमारी ही पार्टी का एक महापुरुष आएगा जो राम जन्म मंदिर का निर्माण करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी अक्षरश सत्य साबित हुई, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर निर्माण का पुण्य जिनके हिस्से आया है वो है बीजेपी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी। रामलला के नव्य और भव्य मंदिर के साथ ही अयोध्या का गौरव लौट आया, जहां सनातनी आस्था की पुनर्स्थापना का पर्व मनाया जा रहा है, जहां अंबर से बरस रहा है राम रस, जहां जश्न में झूम रहा है जनमानस, राम नगरी विराट विहंगम विशेष आयोजन की साक्षी बन रही है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आ गई है। मोदी की राम भक्ति, उस भक्ति की शक्ति से मोदी विरोधियों का परिचय हो पाएगा। राम के सेवक और राम भक्त मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कितने जतन किए हैं, कितने सालों का तप किया है, कितना लंबा संघर्ष, कितना श्रम दिया है, इसकी अनकही कथा पहली बार दुनिया जानेगी। जो अतीत में घटा है, जो मोदी ने राम के लिए सहा है, उसे जान मोदी विरोधी दंग हो जाएंगे। राम मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी ने किस नाम से पत्रिकाओं में लेख लिखे थे? इंटरनेशनल स्टेज पर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का बिगुल कब फूंका? राम मंदिर निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी ने कितने हजार गांवों की यात्रा की? नरेंद्र मोदी ने कहां कहां से ईंट इकट्ठा की? राम भक्त मोदी ने राम कार्य के लिए कितने वर्षों की साधना की? मोदी की राम भक्ति से जुड़ी हर घटना, हर तस्वीर और हर तथ्य मौजूद है, बस देखने वालों को नजर चाहिए। मोदी तब से राम के अनन्य भक्त हैं जब जन्मभूमि आंदोलन साधु और संतों का संघर्ष था, जब मोदी ना पीएम थे, ना सीएम, ना ही बीजेपी के बड़े लीडर। नौजवान मोदी ने राम मंदिर के लिए जीवन समर्पित किया था। नरेंद्र मोदी का अयोध्या से, रामलला से, राम जन्मभूमि से नाता 6 दशक पुराना है। 1970 से लेकर 2024 तक राम भक्त मोदी की अनसुनी कथाएं जानने के लिए उस दौर में चलिए जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा के स्वयं सेवक थे।
राम भक्त मोदी का पहला उल्लेखनीय प्रयास 1970 में देखा गया। तब स्वयं सेवक नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गुजरात के गांव गांव की यात्रा की थी। तब मोदी ने अपनी टीम के साथ मिलकर 9000 से ज्यादा गांवों की खाक छान डाली। उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमकर 55 लाख लोगों को राम के काम से जोड़ने का बीड़ा उठाया। संघ की जिम्मेदारी माननीय नरेंद्र भाई की थी, तो पूरा संघ परिवार के सब कार्यकर्ता मिलके ये आंदोलन में सहभाग करते थे। तो उनका प्रमुख यह था कि गुजरात के प्रत्येक गांव में और समाज के विविध वर्ग को साथ लाने के लिए अलग अलग संप्रदाय के साधु संतों को मिलना, सभी संप्रदाय के प्रमुख लोगों को मिलना, सभी समाज के वडिलों को मिलना, ऐसा एक अभियान चलाया था। मोदी के राम काज की प्रशंसा संघ में हुई, जिसके बाद उन्होंने मंदिर आंदोलन के जन जागरण अभियान की लगाम थाम ली। मोदी ने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने शुरू किए। मोदी ने 1989 को साधना मैगजीन में राम मंदिर निर्माण जरूरी क्यों है इस पर लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आज रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है और इसका विरोध करने वालों को बेचैनी हो सकती है। राम शिला का महत्व राम मंदिर निर्माण से परे है, ये लाखों लोगों के दिलों में विश्वास बन गई है। भविष्य के भारत, अखंड भारत के निर्माण के लिए उन प्रतीकों के पुनर्निर्माण की जरूरत है जो दिलों को जोड़ते हैं, ना कि दिलों को तोड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कही बात, राम काज करिबे को आतुर को आज हृदयंगम करना आवश्यक है। राम मंदिर जो गांव के है, वहाँ की भावना को देश के राम मंदिर तक जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र भाई ने किया। राम मंदिर निर्माण नरेंद्र मोदी के लिए कभी राज का काज नहीं रहा। उन्होंने अपनी कथनी और करनी से यह चरितार्थ किया कि मंदिर निर्माण राम का काम था। साल 1989 में राम शिला पूजन के वक्त की ये तस्वीर देखिए, जिसमें नरेंद्र मोदी गुजरात की गली गली घूमकर गांव वालों से प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए ईंट के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तो ऐसी ही शपथ तो लेते रहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र मोदी ने साधना मैगजीन में अनिकेत नाम से एक लेख साल 1989 में शिलान्यास के मौके पर लिखा था। उस क्षण को नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया था। 9 और 10 नवंबर 1989 हिंदू चेतना के इतिहास में विशाल स्मारक बने रहेंगे। अयोध्या में राम शिलान्यास का समारोह कई लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे। पूरी दुनिया का ध्यान अयोध्या की इस घटना पर केंद्रित है। अयोध्या में यह समारोह सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। संगे शक्ति कलियुगे, कलियुग में एकता ही शक्ति है। उनके दो आर्टिकल बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने 89 में उस समय लिखे थे। एक आर्टिकल था राजकाज की रामकाज, और एक आर्टिकल था नव क्रांति का जयघोष। तो दोनों जो आर्टिकल हैं उसमें हमें स्पष्ट रूप से उस समय भी उनकी जो आस्था थी कि लोक जागरण के आधार पर लोकतंत्र के माध्यम से भव्य मंदिर बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सभी माध्यमों से देश के माहौल को राम के प्रति अगाध श्रद्धा से भरने का मिशन चला रखा था। अपने लेखों से, भाषण से, यात्राओं से वो नया जोश, नए एहसास के साथ युवा पीढ़ी में आस्था की उमंग जगा रहे थे। इस कड़ी में मोदी का एक भाषण बेहद पॉपुलर हुआ। तब मोदी के भाषण की हजारों कैसेट बनाकर बांटी गई थी ताकि लोग इसे रिपीट मोड में बार बार सुने। उस ओजस्वी भाषण का एक हिस्सा आप भी सुनिए। जन्मभूमि मंदिर परज राम जन्मभूमि बनशे, राम जन्म स्थान परज राम जन्मभूमि मंदिर बनशे, दुनिया नी कोई ताकत राम मंदिर बनता अटकावे नहीं सके। ऐसे शक्तिशाली और विचारोत्तेजक भाषण का जनमानस पर गहरा असर हुआ। लोक अदालत मां अयोध्या नाम से शुरू हुए इस पूरे अभियान ने पूरे वातावरण को राममय बना दिया था।
राम जन्मभूमि को लेकर उनके भाषण होते थे उस समय, तो वो इतने रिसर्च बेस्ड भाषण होते थे कि कहाँ से वो सब तथ्य लेकर आते थे, कहाँ से वो सारा मटेरियल लाते होंगे, पर इतना ऑथेंटिक मटेरियल, वो सारा मटेरियल जब उनके भाषण में होता था, और किस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति से देश का नुकसान हो रहा है और किस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान इस देश के लिए जरूरी है, तो राम जन्मभूमि आंदोलन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान के रूप में उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन में अपने भाषणों से उतारा। ढेर आया 25 सितंबर 1990 का दिन शुरू हुई सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने नरेंद्र मोदी। रथ यात्रा गुजरात के 600 गांव से होकर गुजरी। रथ पर आडवाणी के साथ सवार थे नरेंद्र मोदी, वो भी तब जब उस वक्त नवरात्रि चल रही थी। नरेंद्र मोदी व्रत में रहे, बिना कुछ खाए, सिर्फ जल पीकर मोदी ने रथ यात्रा को कामयाब बनाया। सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक जाते समय कोई भी स्थल ऐसा ना होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा ना होना चाहिए कि जहां से लोग आकर के उनके दर्शन न कर सके, उनको सांभा उनका आवाज न सुन सके, या तो जो वातावरण बनाना है वो न बन पाए, ऐसा न हो। मोदी पर सवार राम काज की धुन देख तब लोग दंग रह जाते थे। नरेंद्र मोदी के प्रयासों को देख लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी कई बार भावुक हुए। उन्होंने नरेंद्र मोदी से बार बार आराम करने के लिए कहा, तब मोदी जो जवाब देते थे वो सुनिए। यही गहन प्रतिबद्धता ही मेरी सच्ची पुकार है, ये मेरा वास्तविक जीवन है और मैं इसका आनंद लेता हूं। मुझे बराबर याद है कि महानगर में जितने भी राम जी के मंदिर है, जितने भी महिलाओं के धुन मंडल भजन मंडली है, और जितने भी गुजराती जो गरबा रहते हैं, गरबा की गरबी मंडल रहते हैं, स्थान स्थान पर जाकर रात के समय वो मिलते थे तो सभी को मिलना, जब भजन मंडली होती थी तो उस समय वहां जाना, अपनी माताओं के बीच इस विषय रखना कि राम जी के लिए ये यात्रा आ रही है, उनमें जो जिस प्रकार से उत्साह का, उमंग का जो माहौल राजकोट महानगर में बना था। राम काज में नरेंद्र मोदी को कितना आनंद आता था उसकी एक झलक इन तस्वीरों में साफ दिखती है। यह 1991 में दिल्ली के बोट क्लब में विश्व हिंदू परिषद के आयोजन की तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी यहां एक वॉलंटियर बनकर राम के काम में आए थे। जब मोदी साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे थे तब उन्होंने साध्वी रितंबरा से बातें की थी। दीदी मां रितंबरा आज भी उन यादों को संजोकर अपने साथ रखती हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उस समय बहुत ही सक्रियता से सारे कार्यक्रमों की योजना बनाना, सभाओं की व्यवस्थाओं में लगना, तो उसमें वो इस तरह सक्रिय थे। तो आप देख रहे हो कि बोट क्लब की रैली की वो ऐसा विराट रूप, उस समय तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का बल था और विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व, और फिर नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे ऐसे व्यक्तित्व का नेतृत्व जो जो है पीछे रहकर पूरी व्यवस्थाओं को जुटा रहे थे। मोदी तब एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जमीन पर बैठते थे। भगवान राम से जुड़ी हर चीज तब मोदी सर माथे पर लगाते थे। उन्हीं में से एक है बीजेपी के लेटर हेड पर हाथों से लिखी ये कविता। राम व्यक्ति को नहीं तृप्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी जाति है। बिना राम के आदर्शों का भारतवर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? देश ही नहीं, दुनिया में मोदी ने अपने राम की शक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये साल 1998 का दृश्य है। नरेंद्र मोदी मॉरिशस में इंटरनेशनल रामायणा कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। मोदी ने दुनिया को तब राम का शाश्वत सच दिखाया, राम राज्य के आदर्श समझाए। जन जन की चेतना को श्री राम जी प्रभु जी के साथ जोड़ के
राष्ट्रीय अस्मिता को पुनः जागृत किया है। और वही बात उन्होंने मॉरिशस में रखी। मॉरिशस में क्यों रखी, उसके पीछे भी ये है कि मॉरिशस वो भी अखंड भारत का एक हिस्सा। रामलला को पूजने वाले नरेंद्र मोदी, राम को आदर्श मानने वाले मोदी, क्या कभी रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए? तो इस कहानी को भी जानिए। ये रामलला के दर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन के वक्त नरेंद्र मोदी ने एक प्रतिज्ञा कर ली थी, वो जन्मभूमि पर तब लौटेंगे जब मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। दशकों की अदालती सुनवाई के बाद राम की कृपा से ये रास्ता तब साफ हुआ जब नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की बागडोर आई। प्रतिज्ञा की बात तो मालूम थी, लेकिन वो इस रूप में लौटेंगे कि देश के प्रधानमंत्री हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री बन गए, आज वो लौटे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, इससे प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी 3 दशक के इंतजार के बाद अयोध्या वापस लौटे। उन्होंने राम लला के भव्य मंदिर की बुनियाद रखी। यही राम भक्त मोदी 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य के भागी होंगे। इसमें किसी को कहीं राजनीति कैसे दिखती है, जिसकी मिसाल है राम की नगरी में समाज के दलित परिवार में मोदी की ये आत्मीयता। अच्छा, तो गैस चलाना आता है? ये कल सीखे हैं। कल सीख लिए। मोदी के राम किसी विचारधारा में बंधे नहीं, किसी सांचे में ढले नहीं। मोदी के राम सभी पंथ, सभी संप्रदाय के आदर्श हैं। मोदी के राम सत्ता और समाज के बीच संतुलन है, ठीक अपने आराध्य की तरह। मोदी समरस समाज की स्थापना का साहस रखते हैं। वैसे भी राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर भारतीय मूल्यों का ऊर्जा पुंज बनकर सारे जगत को प्रकाशित करने जा रहा है।